Welcome to another part of second session of computer graphics. In this session we will discuss about Bresenham line algorithm. We'll discuss about how actually we can calculate the points, and secondly we will discuss about how we can draw the line using program also. ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसमें पॉइंट्स को कैलकुलेट करते हैं. सो आई एम टेकिंग एक्सेल. Here we have x1, then, or you can say it's x, y, then last value of x, or what we can do is we can list it like this: x1, x2, and y1, y2. Okay. So these two are our first and last points. So I am drawing line from 10 comma 10 to 100 comma 50. Okay. So इस हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आएगी? दैट विल बी एक्स टू माइनस x1. In the same way, delta y you will get is y2 minus y1. Okay. Here you see delta x की वैल्यू ज़्यादा है. Delta x की वैल्यू ज़्यादा है, that means Bresenham line algorithm यहाँ पे valid होगा, यहाँ पे applicable होगा. ठीक है, अगर delta x की वैल्यू ज़्यादा नहीं होती तो यहाँ पे Bresenham line algorithm valid नहीं होता. ठीक है, नाउ हमें क्या चाहिए? x, y और decision parameter. नाउ what's the first value of decision parameter? Just come on to the algorithm. Here you see p0 calculate करने के लिए हमारे पास क्या formula होता है? It is 2 delta y minus delta x. So it's 2 into delta y minus delta x. Okay, now the first point is our x1 y1. Okay, means whatever the value of x1 is there and whatever the value of y1 is there, it's the same. ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो हम कैलकुलेट करते हैं वो इस हम पी ज़ीरो के हिसाब से करते हैं. ठीक है, यानी जो हमारी इनिशियल पी की वैल्यू निकली है हम इसके हिसाब से आगे कैलकुलेट करेंगे दैट वेदर द नेक्स्ट वाई विल बी इंक्रीमेंटेड और नॉट. एक्स को हर हाल में इंक्रीमेंट होना है, इसका कोई लेना देना नहीं है डिसीजन पैरामीटर से. ओके, सो एक्स हैज़ टू बी इंक्रीमेंटेड इन ईच एंड एवरी स्टेप. In case of y, we will check if this one is less than 0, then you have to copy the previous value, and if it is not, that means either it is equal to 0 or it is greater than 0, in that case you have to add 1 to the previous value. Okay, now नेक्स्ट डिसीजन पैरामीटर कैसे निकालें? फॉर नेक्स्ट डिसीजन पैरामीटर हियर वी आर हैविंग टू फॉर्मूलाज, टू डेल्टा वाई जब इसकी वैल्यू लेस देन जीरो है, प्रीवियस डिसीजन पैरामीटर नेगेटिव है, एंड टू डेल्टा वाई माइनस डेल्टा वाई माइनस डेल्टा एक्स इंटू टू दैट इज एडेड टू द प्रीवियस वैल्यू. इन केस योर प्रीवियस वैल्यू इज पॉजिटिव और जीरो. ठीक है, सो इक्वल टू इफ द प्रीवियस वैल्यू इज लेस देन जीरो, इन दैट केस इट इज प्रीवियस वैल्यू प्लस टू मल्टीप्लाइड विथ डेल्टा वाई. ओके,
otherwise it is previous value plus 2 multiplied with delta y minus delta x. Okay. So it is plus 2 delta y, and here it is plus 2 delta y minus delta x. Okay. Just make one change. जितने यहाँ पे डेल्टा वाई डेल्टा एक्स हैं सबके पहले डॉलर लगा दीजिए, सो दैट वाइल मूविंग डाउन साइड इट विल नॉट कॉपी द सेम वैल्यू. फॉर्मूला में मॉडिफिकेशन ना हो इसके लिए हमने डॉलर लगा दिया. ठीक है, नाउ डू द सेम थिंग हियर. Actually, here we haven't used delta y and delta x, so it's okay. Now, for the next point, you can get it calculated in the same manner. ठीक है. Now, just see how the points are calculated. 10 10 था, ठीक है. डेल्टा वाई डेल्टा एक्स के हिसाब से हमने कैलकुलेट किया, पी की वैल्यू -10 आई. ठीक है, हमने चेक किया कि ये प्रीवियस वैल्यू नेगेटिव थी. अब हमने नेगेटिव वाला फार्मूला लगाया, नेक्स्ट पी की वैल्यू 70 आई. ठीक है, और जब इसकी वैल्यू नेगेटिव थी तो हमने वाई में कोई चेंज नहीं किया. ठीक है, ना इन द सेम मैनर हम आगे बढ़े, आगे बढ़ते चले गए. कब तक? जब तक कि हमको लास्ट पॉइंट नहीं मिल गया. ठीक है, इन केस ऑफ आवर लास्ट पॉइंट यू कैन सी यू हैव गॉट द फाइनल पॉइंट हियर. ओके, अब प्रोग्राम के ऊपर हैं. अगर इसी प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट इट विल बी फंक्शनल ओवर हियर ओनली. It will not be functional in the lower side. It will not be functional in this part. यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे हम उल्टा कैलकुलेट करके और उसके बाद उस हिसाब से इसको मॉडिफाई करेंगे. सो लेट्स सी व्हाट वी हैव टू. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टेकन हियर एवरीथिंग एज फ्लोट, सो वी हैव टू टेक सम इंटीजर्स ऑल्सो. I am taking two double x and double y, two variables and one decision parameter, that is p. Okay, I am not changing the whole program, but I am changing the area where the change is actually required. Delta y is same, delta x is same. Okay, our first decision parameter must be calculated here. So the first decision parameter p is given by 2 multiplied with delta x, sorry, delta y minus delta x. Okay, now or you can have it in the zone where delta x is greater. Okay, so if delta x is greater here along with calculating m, what I am doing is I am just calculating the decision parameter also. Okay, then in else we'll discuss that what we have to do, because here the scenario is changed. Now coming on to the if part. If part में छोटे से कुछ modifications करने हैं. Okay.
first thing is yy is given by yy1. Okay, that means set the first point. Okay, in the same way, here for xx is equal to xx1, then xx is less than or equal to xx2, and xx plus plus. Okay, now what I have to do is I have to get all the points. Okay, so here we have got the first point only. अब हम चेक करेंगे इफ डिसीजन पैरामीटर इज लेस देन ज़ीरो, क्या ये ज़ीरो से छोटा है या नहीं है. ठीक है, अगर ये ज़ीरो से छोटा है तो हमें क्या करना है, हमें वर्टेक्स कौन सा दिखाना है, हमें वर्टेक्स दिखाना है एक्स एक्स कॉमा वाई वाई. ओके, एंड एक्स एक्स के अंदर तो इंक्रीमेंट हो ही जाएगा, वाई वाई के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा. ठीक है, डिसीजन पैरामीटर को चेंज करना है, दैट मीन्स पी इज पी प्लस टू इंटू डेल्टा वाई. ओके, इन द सेम वे in this case gl vertex 2f xx comma yy and the first change is here yy plus plus and the second change is p is given by p plus 2 delta y minus this 2 is outside two multiplied with delta y minus delta x. Okay, now let's see what's happening. Execute करने के लिए हमने अब program को rebuild किया, points वही डाले 10 comma 10 से 100 comma 50, and here you see the same line is coming, but this time we haven't used any floating point variable. इस बार हमने सारे integer variables use किए हैं. ठीक है, because of that you can see some lines are somewhat horizontal. Actually the language that we are using it supports your floating point numbers also. ठीक है, आप इसे जूम करके देखेंगे तो आपको इसमें बीच में गैप्स भी दिख जाएंगे बिकॉज वी आर यूजिंग इंटीजर वेरिएबल. सो इन दिस वे वी कैन डिजाइन ब्रेसनहम लाइन इनटू आवर प्रोग्राम एंड इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट ऑल द पॉइंट्स. नाउ if we compare DDA algorithm and Bresenham algorithm, you will find that DDA algorithm में हमको क्या करना पड़ता है, बार बार floating point value लो, सारी calculation floating point arithmetic के help से करो और अंत में जा कर के उसको round off करो. ठीक है, in case of Bresenham algorithm what happens is हमारे पास सारे integer arithmetics होते हैं और इसलिए ये algorithm faster होती है. question उठता है कि क्या फ्लोटिंग पॉइंट में एडिशन ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम होता है. इनफैक्ट देखिए, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स की अगर हम बात करें तो इसके दो पार्ट्स होते हैं. लेट्स कम बैक टू एक्सेल अगेन एंड लेट्स अंडरस्टैंड हाउ फ्लोटिंग पॉइंट इज कैलकुलेटेड. फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर दो बेसिक पार्ट्स होते हैं, एक होता है एक्सपोनेंट और दूसरा होता है सिग्निफिकेंट. ठीक है, तो जब भी हम एडिशन करते हैं तो सिग्निफिकेंट का तो एडिशन होता है और एक्सपोनेंट का
कोई चेंज नहीं आता, बट एक्सपोनेंट अगर डिफरेंट है, सपोज आई हैव टेकन हियर 25, सो 25 विल बी 0.25 हियर एंड हियर एक्सपोनेंट विल बी 2, और दूसरा मैंने नंबर लिया 225, 225 के लिए यहाँ पे आपको मिलेगा 225, ठीक है, 0.225 इनफैक्ट, एंड यहाँ पे आपको मिलेगा एक्सपोनेंट में 3. देर इज अनदर बिट कॉल्ड साइन बिट, सो इट्स 0 फॉर बोथ द नंबर्स, ठीक है. जब हम इनको ऐड करेंगे, नॉर्मल मैथमेटिक्स में क्या होता है, सारे नंबर्स ऐड कर दिए जाते हैं, बट हियर इन दोनों को ऐड करने से पहले हम सबसे पहला काम करेंगे एक्सपोनेंट बराबर करना पड़ेगा, और एक्सपोनेंट बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, जिसका एक्सपोनेंट छोटा है उसको बड़े वाले में कन्वर्ट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल हियर वी विल कन्वर्ट इट लाइक दिस. अब हम इनका एडिशन कर सकते हैं, ठीक है. रिजल्ट 250 आया, बट द प्रोसेस वॉज समवॉट डिफिकल्ट, ठीक है. एक एडिशन करना हुआ तो इसमें भी हमको 3-4 स्टेप्स फॉलो करने पड़े, और उसके बाद भी हम चेक करते हैं कि वेदर दिस नंबर इज़ ग्रेटर देन 1.0 और नॉट. इफ इट इज़ ग्रेटर देन, व्हाट वी विल डू इज वी विल इंक्रीमेंट दिस एंड विल जस्ट मूव इट टूवर्ड्स 1 बिट राइट, ठीक है. सो फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक एक लंबा प्रोसेस है, और हमको DDA एल्गोरिथम यूज़ करते समय वो यूज़ करना पड़ता है, दैट्स वाई द एल्गोरिथम इज़ नॉट मच बेटर. In next session, next part of the session, we will discuss about circle drawing and circle generation algorithms. That's all for this part. Thank you.